नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? वो तो देखो प्रधानमंत्री पूरी राजस्थान हिंदुस्तान रहा, वो तो बढ़िया ही लगे वो थे। और हमके ओपिनियन कोई हरीश ने हमके गोडी टेक राजस्थान सरकार हमारो चोखो है और चोखो रहे। आज तक कांग्रेस रहा तो धमाका उठ रहा है। तो रोटी गड़ो के काले घड़ी उम्मीदवार राम बेनीवाल के बारे में भाई वो आपकी वो जाने उन्होंने कम जाना। हम मुसलमानों का वोट है नहीं, जिंदगी भर पसी परसटी पूरा ही पूरा 100 में 100 99% कांग्रेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफी खान है और आपने देखना शुरू किया है एसकेजे टीवी। दोस्तों 2023 के हैं जो चुनाव नज़दीक आने को हैं, इसलिए आपको बता दें कि गलियों में सरगर्मियां हैं वो तेज़ हैं। कई लोग हमारे साथ हैं, हम पाटोदी के अंदर आए हुए हैं, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ उनकी ओपिनियन है। आपको बता दें कि पाटोदी में हम आए हुए हैं और ये बायतू का क्षेत्र पड़ता है और बायतू के अंदर अभी फिलहाल किसकी हवा है जो तेज़ चल रही है और क्या कुछ लोग अपनी अपनी राय है जो देते हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मारा नाम भौरू खान है। भौरू खान कहाँ से हैं आप? गंगापुर से। 2023 के चुनाव है जो नजदीक आने को है, इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय रहेगी? हमारी तो कांग्रेस पार्टी की राय है सर, तन मन से। कौन जीत सकता है? हरीश चौधरी जीती बार। हरीश चौधरी हाँ बिल्कुल। अगली बार सरकार किसकी बन सकती है? अशोक गहलोत भी। अब एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल आया है, उसमें सर्वे के अंदर भाजपा की सरकार बता रही है, इसमें आपको क्या कुछ आप कहेंगे? वो बिल्कुल वो सर्वे गलत कर रहा है। जो कांग्रेस ने जो करियो नहीं एडो, आज हुदी साल 1965 से लगा आज तक कांग्रेस रहा तो धमाका उठ रहा है। कांग्रेस का कामकाज कैसा है? बहुत बढ़िया है। ये हम बदो कहो जिला घोषित करिया, जिला बना दिया और हर पार्टी से कोई भी काम काज जन धन योजना है तमाम चीज़ों हैं वो कांग्रेस रीज है। बीजुड़ा खाली बातों कर निकल जाओ, बीजू करण आला कोई खुद। आपको क्या लग रहा है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविर कैंप चलाया, उनको गरीबों को क्या कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा साहब, बीमार आदमी हो जाओ तो नहीं तो कह रही बोणिए साहूकार आदमी का 2 रुपया लेने वास्ते जाना पड़ता। आज नहीं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, खाली आप जन आधार लियो और चलिया गया। मैं दवाखाने में 80 दवा हो रही है, उरी सवा साखरी हो रही है। बहुत धन्यवाद है अशोक गहलोत जी को जो ऐसी योजना बनाई। हमारी दवाई फ्री मिल रही है? बिल्कुल दवाई फ्री मिल रही है बिल्कुल। पहला तो है नहीं पैसे हम काम नहीं होते तो ये जन धन योजना से काम हो रही हूँ। अशोक गहलोत का आपको लग रहा है गैस सिलेंडर कितने में दे रहे हैं? गैस सिलेंडर तो पहला तो 1150 था। आज अशोक गहलोत जी ने बारे में हमें आज जो योजना गोठी है इसमें 500 रुपये मिल रहे हैं। 500 में? हाँ। तो लोग कितने खुश हैं? गरीब? अरे बहुत खुश है, लकड़ियों के कारण आंखों के धुआं निकल जाता, लुगाई एकदम रोचो रोन दुख जाती। हाँ देख नहीं यार पति कह तो रोटी गड़ो के काले घड़ी। आज आप है जो आप वाइट है जो पहन के आए हैं, कहीं पे अभी दाग भी नहीं है, दाग डब्बा नहीं है, आप घर में है या फिर जनता खुश है या आप ऐसे ही फेंक रहे हैं? बिल्कुल जनता खुश है सर, जनता सामने बात करो, कोई घर में बैठन बात थोड़ी करो। राजस्थान सरकार तो बहुत खुश है, खुश है सर, बिल्कुल खुश है। उम्मीदवार राम बेनीवाल के बारे में भाई वो आपकी वो जोड़े उन्होंने कम जाना। हम अशोक जी की बारे की बात हमारे को बहुत प्रश्न की बात है। हाउ पार्टी है देखो 30% लोग होता है बीजेपी में, 30% ही होता है कांग्रेस में और कोई 10% लोग वो में हुए हर पार्टियों जो आप मौन रखी पर 75% लोग है नहीं, 75% कांग्रेस रह साथी लोग। अब ऐसा माना जाता है AIMIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी हैं, वो भी राजस्थान में आए हैं तो उनके बारे में आप भाई देखो उनके बारे में वो आप वो है कोई जगह मोह होने को नहीं, नहीं मैं कहाँ कह रहा हूँ मैं तो देखियो आप उसके बारे में भाई मैं कहीं नहीं देख। ऐसा कहा जाता है कि वो मुसलमानों के वोट प्रभावित करेंगे और पाटोदी क्षेत्र के अंदर मुसलमानों के वोट बहुत ज्यादा है। मैं तो मुसलमानों का वोट है नहीं, जिंदगी भर 80% पूरा ही पूरा 100 में 100 99% कांग्रेस तो जिन्ना हो और आज तक ही कांग्रेस तो देवता आया दी हो मैं। आपने तो आपने कांग्रेस के दिए हैं लेकिन कोई पीछे के रास्ते से बीजेपी को लेके आ गया तो वो तो हमें देखो क्यों है जो को गांव वे जेते थोड़ा घना कोई आगे फंसा ही हुए बस हैंग तो एक शीशे में थोड़े उतरी। सर आप क्या कुछ कहेंगे? आपका कुछ हम कुछ आप क्या कुछ कहेंगे? राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार बन सकती है? हम तो कह दिए ठीक है। दोस्तों ये थे भौरे खान जी, हमने इनसे बहुत देर तक बात करने की कोशिश की। इनका कहना है कि राजस्थान के
अंदर कांग्रेस की फिर से सरकार बनेगी और रिपीट होगी। अब पहले ऐसा लगता था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट हैं वो नाराज चल रहे थे, अब खेमे में कहीं ना कहीं शांति है। बिल्कुल बिल्कुल शांति है। हमारा तो एक एक प्रदूषण होता है कांग्रेस वालों का, एक जो ये बाजू जाओ एक बाजू पर है, पूरी दुनिया की भाषा लेन पसा एक शीशी में बढ़ नाला हूँ, खाली सुनावण वास्ते गया था, करण वास्ते कुछ नहीं गया। हम कांग्रेसी हों कांग्रेसी में रहे, सचिन भाई रहे हम भी रहे और हमारी जनता भी रहे, मुसलमान तो 99% पूरा कांग्रेसी जी। आपको नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? वो तो देखो प्रधानमंत्री पूरी राजस्थान हिंदुस्तान रहा, वो तो बढ़िया ही लगे, वो तो कौन मोड़ो लगे, अच्छे लगते हैं वो तो बिल्कुल अच्छा ही है। तो फिर आप उनको वोट नहीं करते? वो तो देखो करते हैं आप तो। वो तो आपकी जगह पर वो अच्छो है, हमारे राजस्थान सरकार ऊपर अशोक जी अच्छा है, हम तो राजस्थान सरकार ही कहे हैं, कोई पूरी भारत की बात थोड़ी बता रहे हैं हम तो राजस्थान सरकार हमारो चोखो है चोखो रहे, और हमारे राजस्थान सरकार अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनी। धन्यवाद दोस्तों, भंवरे खान ने एक बड़ी बात कही है कि राजस्थान चोखो है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे बहुत सारे भीड़ में आए हुए हैं, ये सब भंवरे खान जी के फैन हैं, ऐसा माना जाता है कि भंवरे खान यहाँ पे दिग्गज नेता है और भंवरे खान यहाँ पे पाटुदी में पॉपुलर चेहरा भी माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट SKJ TV पाटुदी तक।